हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये एपिसोड 1 का नेक्स्ट पार्ट है, जहां हम हुनो को जेल में देखते हैं। वहीं वहां कुछ लॉयर्स होते हैं और वो हुनो के बारे में ही बात कर रहे थे। ये तो क्वीन ग्रुप का सन इन लॉ है ना। तब एक लॉयर कहता है, नहीं, ये तो उनका पर्सनल बटलर है जो उनके फैलाए हुए मेस को साफ करता रहता है। वहीं हुनो जेल हेन की आंटी से मिलने गया था, जहाँ हेन की आंटी ब्योमजा उससे पूछती है, तो मुझे जेल से बाहर कब निकालोगे। ब्योमजा का पहले 3 दिवस हो चुका होता है और वो कहती है, श्योल ही ने मुझ पर केस कर दिया, मैंने उसका बस बाल खींचा था, ये थोड़ी ना क्राइम है। श्योल ही है उनके ग्रैंडफादर की गर्लफ्रेंड होती है। तो हुनो कहता है, बाल खींचने की वजह से उन्हें 4 हफ्ते तक ट्रीटमेंट लेना पड़ा। तो ब्योमजा कहती है, मुझे उसे हॉस्पिटलाइज कर देना चाहिए था, उसके वजह से ही मेरी मॉम की डेथ हुई थी, मैं उससे रिवेंज लेकर ही रहूंगी। हुनो, तुम्हें पता है रिवेंज लेना मेरी स्पेशलिटी है। तब हुनो कहता है, हाँ मुझे पता है। तब ब्योमजा कहती है, मेरे तीनों एक्स हस्बैंड ने इस देश को छोड़ के चले गए, क्योंकि मैंने उनकी और उनकी रिलेटिव की लाइफ को हेल बना दिया था। तब हुनो कहता है, मैरिड कपल के बीच में डिवोर्स होता ही रहता है, आपको ये करने की ज़रूरत नहीं थी। तब ब्योमजा कहती है, डिवोर्स कभी अच्छे टर्म में नहीं होता है, उसका बेस्ट सोल्यूशन है दोनों में से एक मर जाए। अगर मैं फिर से शादी करके डिवोर्स लूँगी तो मेरा केस तुम्हें ही लेना होगा। अभी तो तुम मुझे जल्दी से यहाँ से बाहर निकालो, क्योंकि मॉम की मेमोरियल सेरेमनी होने वाली है। उसके बाद हम क्वीन ग्रुप के बाहर देखते हैं, जहाँ रिपोर्टर कह रहे होते हैं, आज क्वीन ग्रुप की चेयरमैन की लेट वाइफ की मेमोरियल सर्विस है और फैमिली मेम्बर्स एक एक करके आ रहे हैं। उसके बाद हम अंदर देखते हैं, जहाँ हुनो और उसके फ्रेंड मेमोरियल सर्विस के लिए खाना बना रहे होते हैं। तभी सुशल वहाँ एक लड़के को लेकर आता है और वो उसे सभी से इंट्रोड्यूस कराता है, ये मिस्टर शॉय है, इनकी शादी हमारे रिलेटिव से होने वाली है। तो मिस्टर शॉय सभी से हाय कहते हैं। यहाँ हुनो के सभी फ्रेंड हेन के फैमिली के सन इन लॉ होते हैं और सुशल कहता है, हमारी फैमिली में ट्रेडिशन है कि मेमोरियल सर्विस में सभी मेल मेंबर खाना बनाते हैं। तब हुनो सुशल को भी उनकी हेल्प करने के लिए कहता है। तब सुशल बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। तब हुनो मिस्टर सॉय से कहता है, क्वीन में तुम्हारा स्वागत है। उसके बाद हम हेन की मॉम सुनहुआ को उनके सेक्रेटरी ग्रेस के साथ देखते हैं, जहां ग्रेस हेन की मॉम के कपड़ों की तारीफ करती है। तभी वहां शोल ही आती है। तब सुनहुआ उससे कहती है, आपको हमने जो हैंडबुक भेजा था उसने आपने क्यों नहीं पहना। तब शोल ही कहती है, मैं मेमोरियल सर्विस में नहीं आने वाली हूँ, वैसे भी मैं फैमिली की मेम्बर नहीं हूँ। तब सुनहुआ कहती है, तुम हमारी फैमिली के साथ 20 साल से रह रही हो, तो तुम हमारी फैमिली ही हो। तब ही कहती है, मैं अपने रूम में ही रहूंगी। तब सिन्हावा कहती है, अगर तुम नहीं आओगे तो लोग कहेंगे कि मैं तुम्हारे साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती हूँ। तभी वहाँ ग्रैंडफादर आते हैं और कहते हैं, क्या तुम शोल्ही के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती हो। तो सुनहवा मना करती है और कहती है, ये मेमोरियल सर्विस में हैंडबुक पहनकर नहीं आना चाहती है। तब ग्रैंडफादर शोल्ही से पूछते हैं, क्या ये सच है। तब शोल्ही बात बदल कर कहती है, हाँ मैं पहनूंगी। ये सुनकर सिन्हवा और ग्रेस शॉक होते हैं और शोल्ही ग्रैंडफादर एक दूसरे का हाथ पकड़ के वहाँ से चली जाते हैं। तब ग्रेस कहती है, ये उसका प्लान था आपको ग्रैंडफादर के सामने बुरा बनाने का। तब सुनहवा कहती है, किसको पता था कि गर्लफ्रेंड इन लॉ मर्डर इन लॉ से भी ज़्यादा खराब होगी। उसके बाद हम मेमोरियल सर्विस का सीन देखते हैं, जहाँ सुशल रिचुअल कर रहा था। तब ब्योमजा कहती है, मैं आ गई। ये सुनकर वहाँ बिजली कड़कने लगता है और कैंडल बुझ जाता है और सभी उसे ही देखने लगते हैं। तब ग्रैंडफादर हुनो को अपने पास बुलाता है और उसे पूछता है, इसे आज से ही जेल से क्यों निकाला। तब हुनो कहता है, नहीं तो जेल में इनकी तबीयत खराब हो रही थी ठंडी के वजह से। और ब्योमजा अपनी मॉम के सामने जाकर कहती है, मॉम डैड ने अपनी एक लौटी बेटी को जेल में डाल दिया था क्योंकि मैंने उनकी गर्लफ्रेंड के बाल खींचे थे। और वो अपनी डैड के पास जाते हुए कहती है, आप इतने हार्टलेस कैसे हो सकते हैं, जिसने मॉम को मार डाला और मुझे जेल में भेजा, आप उसी को प्यार करते हैं। तब है इनके डैड ब्योमजुन उससे कहता है, अभी मॉम की मेमोरियल सर्विस हो रही है। तब ब्योमजा कहती है, क्या तुम भूल गए हो इसने हमारी मॉम को मारा था। तब ब्योमजुन कहता है, ऐसा नहीं है, मॉम की डैड हार्ट अटैक की वजह से हुआ था। तो ब्योमजा कहती है, मॉम को हार्ट अटैक इसलिए आया था क्योंकि वो शोल्ही पर गुस्सा थी।
तब हेइन कहती है, हम आपकी मम को शराब पिला रहे थे। तब सुशल फिर से रिचुअल करने लगता है। तब ब्योमजा उससे मारती है और कहती है, तुम इतना तेज क्यों हाथ घुमा रहे हो, धीरे धीरे हाथ घुमाओ। और कहती है, मेरी पूरी फैमिली डिजास्टर है। और वो खुद ही शराब को पी लेती है। वही हम बाहर एक आदमी को देखते हैं जो चेयरमैन के बेटे होते हैं। रिपोर्टर उससे पूछते हैं, आप 19 साल के बाद वापस आए हैं, क्या आप क्वीन ग्रुप फिर से ज्वाइन करेंगे? वहीं ऊपर से ग्रैंडफादर उसे देख रहे होते हैं। उनके साथ शोली भी होती है और वो उसे बैठने कहती है। तब ग्रैंडफादर कहते हैं, वो मुझे देखने नहीं आया है, बस फोटो खिंचाने आया है। वो जानबूझकर कैमरा के सामने बारिश में भीग रहा है। उसके बाद हम हूनो को एक फ्रेंड को देखते हैं। वो लोग कह रहे होते हैं, हमने मेमोरियल सर्विस के लिए इतना सारा पैनकेक बनाया और वो हमें ही सर्विस अटेंड करने नहीं दे रहे हैं। मुझे तो हूनो के लिए बुरा लगता है, आज उसके डैड की 60th बर्थडे है, वो वहाँ भी नहीं जा सकता है। हमारी वाइफ तो सिर्फ कज़न है, लेकिन उसकी शादी तो डायरेक्ट लाइन से है। उसकी इन लॉज भी टेरिफाइंग है। उसके बाद हम ब्योमजुन को देखते हैं, उसके साथ हूनो भी होता है। ब्योमजुन एक आदमी से बात कर रहा था जो डायरेक्टर जू होते हैं। ब्योमजुन कहता है, आप 20 साल से मेरी मॉम की मेमोरियल सर्विस में आ रहे हैं। तो डायरेक्टर जू कहते हैं, मुझे तो आना ही था क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करती थी। तो ब्योमजुन कहता है, आपने अपना रिजिग्नेशन लेटर दिया है लेकिन मैं उसे एक्सेप्ट नहीं करूँगा। उसके बाद हम ब्योमजुन और हूनो को ऑफिस में देखते हैं, जहाँ ब्योमजुन हूनो से कहता है, तुम पता करो कि डायरेक्टर जू ने अचानक से रिज़ाइन क्यों किया है, मैं उसे ह्यूमिलेट कर रहा हूँ, पनिश नहीं कर रहा हूँ। तब हूनो कहता है, आप ऐसा क्यों करना चाहते हैं? तब ब्योमजुन कहता है, ताकि कोई मेरे पीछे पीछे चूड़ा ना मारे, और जो भी मारेगा उसे सफ़र करना पड़ेगा ताकि वो बाद में ट्रबल ना करे। तब हूनो कहता है, उसने आपके लिए इतने साल काम किया है, क्या ऐसा करना अच्छा होगा? तब ब्योमजुन उसके तरफ गुस्से से देखने लगता है। तब हूनो अपने बात को बदल देता है। नेक्स्ट डे हम हूनो को डॉक्टर के साथ देखते हैं, जहाँ वो डॉक्टर से कहता है, मुझे आजकल लोगों के साथ सफोकेशन होता है। तब डॉक्टर कहते हैं, अच्छा तुम इसलिए डिवोर्स लेना चाहते हो, तुम लेना क्यों चाहते हो डिवोर्स? तब हूनो कहता है, मैं अपने इन-लॉज के साथ एक ही घर में रहता हूँ, हम हर रात को एक साथ डिनर करते हैं, फिर हम फैमिली मीटिंग करते हैं, मैं सभी फेस्टिवल उनके साथ ही सेलिब्रेट करता हूँ, लेकिन मेरे पास खुद के लिए टाइम नहीं होता है। उनकी फैमिली में एक साल में 15 मेमोरियल सर्विस होता है, जिसकी तैयारी सनिलो को ही करना होता है। उनके फैमिली के बेटे हमारी कभी हेल्प नहीं करते हैं। तब डॉक्टर पूछते हैं, क्या तुम जॉब करते हो? तब हूनो कहता है, मेरी वाइफ मेरी बॉस है, इसलिए डिवोर्स ही एक ऑप्शन है, क्योंकि मेरी वाइफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि उसकी फैमिली मुझे कैसे ट्रीट करती है, उसे सिर्फ अपनी चिंता है। मैंने उससे शादी उसके लिए किया था और 3 साल सहता रहा, लेकिन उसे मेरे लिए कोई चिंता नहीं है। उसने मुझे पहले कहा था कि उसमें ट्रस्ट करने, वो कभी मुझे नहीं रुलाएगी। ये सीन हमें दिखाया भी जाता है। फिर हूनो कहता है, मैं अपनी वाइफ को हेट करता हूँ। तब डॉक्टर कहते हैं, इसलिए तुम डिवोर्स चाहते हो, तो क्यों नहीं ले लेते हो? तब हूनो कहता है, मैं मर सकता हूँ, जिसका रीज़न मेरे फादर इन लॉ है। उसके बाद हूनो बाहर आता है, जहाँ उसने अपने आप को छुपाया था। तब डॉक्टर उससे कहते हैं, मैंने तुम्हें जो कुछ भी करने कहा है वही करना। तब हूनो उन्हें हग करता है। उसके बाद हम सेक्रेटरी गेस को उसकी फ्रेंड के साथ देखते हैं, जहाँ उसकी फ्रेंड उसकी बेटी की शादी जिनशुंग ग्रुप के 3rd बेटे से कराने कह रही होती है। तब ग्रेस कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ क्योंकि चेयरमैन को वो पसंद नहीं है। तब उसकी फ्रेंड कहती है, तुम क्वीन फैमिली के लिए सब कुछ करती हो लेकिन तुम्हारी खुद की बेटी अभी तक सिंगल है। तब ग्रेस कहती है, मेरी बेटी रिग्रेट कर रही है मेरी बात नहीं सुनकर और अपने हस्बैंड से शादी करके। तभी ग्रेस को हेइन मिलती है। तब ग्रेस उससे कहती है, तुम्हारी मॉम आज मेरे स्पा में आई थी, तुम्हें भी मैंने बुलाया था, तुम क्यों नहीं आई? तब हेइन कहती है, मैं तुम्हारे स्पा में कभी नहीं जाने वाली हूँ। तब ग्रेस उसके शोल्डर में धीरे से मारती है। तब हेइन कहती है, तुम मुझे फ्रेंड की तरह ट्रीट करती हो क्योंकि तुम्हें लगता है हम क्लोज है, लेकिन मुझे इससे अनकम्फर्टेबल फील होता है। और वो वहाँ से चली जाती है।
उसके बाद हम ग्रेस को हुनो के साथ देखते हैं, जहाँ ग्रेस उससे कहती है, मैं यहाँ तुमसे एक लीगल एडवाइस लेने आई हूँ। तुमने सुना होगा डेओंग का छोटा बेटा का कार एक्सीडेंट में डेथ हुआ था। उसकी वाइफ को उसके कुछ भी प्रॉपर्टी नहीं मिला, क्योंकि उसके हस्बैंड ने उनकी शादी से पहले एक बिल लिखा था कि उसके मरने के बाद उसके बच्चे नीस और नेफ्यू को उसका प्रॉपर्टी मिलेगा, लेकिन उनका कोई बच्चा नहीं है। तब हुनो कहता है, तब उसकी वाइफ केस कर सकती है प्रॉपर्टी के लिए, मैं आपको एक लॉयर से मिला दूंगा। तब ग्रेस कहती है, मेरे पास तो तुम हो ना, वैसे भी हम सेम नाव में ही हैं। हेन ने भी शादी से पहले एक विल लिखा था कि सब कुछ उसका ही होगा। हेन को हस्बैंड नहीं चाहिए था, उसे बस एक सर्वेंट चाहिए था जिससे वो फैमिली रजिस्टर में ऐड कर सके। उसके बाद हुनो जा रहा था, तब हेन आकर उससे कहती है, तुम मेरा कॉल क्यों रिसीव नहीं कर रहे थे, हमें कहीं जाना होगा, मैंने चेक किया था तुम आज फ्री हो, कार हमारी वेट कर रही है नीचे। तब हुनो कहता है, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ कहीं भी जाने के लिए मना करता हूँ, और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हुनो अकेले कार में अपने गाँव जाता है। उसके बाद हम हुनो के फैमिली को देखते हैं, जहाँ हम हुनो के डैड और मॉम को देखते हैं, वो दोनों ट्रैक्टर में एक साथ जा रहे थे। तभी उन्हें हुनो मिलता है, तब हुनो के डैड उससे पूछते हैं, हेन कहाँ है, क्या तुम आज भी अकेले आए हो? तब हुनो हाँ कहता है। उसके बाद हम हुनो को घर में देखते हैं, जहाँ वो खाना खा रहा था, वहीं उसके पास उसकी मॉम बैठी होती है, और हुनो अपने गाँव आकर बहुत रिलैक्स होता है। फिर हम हुनो की बड़ी बहन को देखते हैं, जिसका ब्यूटी पार्लर होता है, वहीं उसकी बड़ी बहन का नाम म्यूशियन होता है। वहीं उसे उसकी मॉम कॉल करके बताती है हुनो आया है। तो म्यूशियन बाहर आकर कहती है, वो डैड के बर्थडे में भी नहीं आया था, मैं उसे नहीं जाने दूंगी। उसके बाद हम रात को हुनो की पूरी फैमिली के साथ देखते हैं, जहाँ हुनो के बड़ा भाई हुनटक भी होता है। मिशन कहती है, मैं तुमसे और हेयोन से नाराज़ हूँ, तुम यहाँ हॉलीडे में भी नहीं आते हो। तब हुनो कहता है, क्योंकि मैं बहुत बिजी रहता हूँ, मैंने इसका एक सोल्यूशन निकाला है, मैं हेयोन को डिवोर्स देने वाला हूँ। ये सुनकर सभी शॉक होते हैं। तब हुनो कहता है, मैं डिवोर्स इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि हम दोनों की हमेशा फाइट होती रहती है, हम दोनों की बिल्कुल नहीं बनती है। तब डैड कहते हैं, इसमें डिवोर्स लेने की क्या बात है, कपल के बीच में फाइट तो होता ही रहता है। तब हुनो कहता है, मैंने सोच लिया है, मैं डिवोर्स लूँगा। उसके बाद हुनो वहाँ से जा रहा था, तब मिशन उसे रोकती है। उसके बाद हम हुनो, मिशन और हुनटेक को एक साथ देखते हैं, जहाँ मिशन कहती है, तुम सेल्फिश हो, मैंने तुम्हारे लिए सेक्रीफाइस किया था। तब हुनो पूछता है, क्या सेक्रीफाइस किया था? तो मिशन कहती है, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जा सकी क्योंकि मॉम डैड ने हमारे गाय को बेच दिया था तुम्हें श्योल भेजने के लिए। तब हुनो कहता है, तुम यूनिवर्सिटी इसलिए नहीं जा सकी क्योंकि तुम्हारा अटेंडेंस कम था, और तुम दोनों अपने लाइफ में कंफर्टेबली रहने के लिए मेरे को यूज़ कर रहे हो क्योंकि तुम्हें पैसा चाहिए। और हुनो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हुनो घर जाकर डिवोर्स के पेपर को लेकर हेन के पास जाता है और कहता है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तब हेन भी कहती है, मुझे भी तुमसे कुछ कहना है, और वो कहती है, मैं 3 महीने में मरने वाली हूँ। ये सुनकर हुनो कहता है, तुम ये क्या कह रही हो? तब हेन कहती है, मैं आज डॉक्टर के पास गई थी, उन्होंने कहा है कि मेरे पास बस 3 महीने बचा है, मैं तुम्हें वहीं लेकर जाने वाली थी लेकिन तुमने मना कर दिया, और तुम बता तुम क्या कहना चाहते थे? तब हुनो डिवोर्स के पेपर को छुटपा लेता है और कहता है, मैंने आज तक तुम्हें जिस भी बात के लिए हर्ट किया है मुझे माफ़ करना, और आज के लिए भी माफ़ करना, मैं आज से तुम्हारे साथ अच्छे से रहूँगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कहूँ। और वो उसे हग कर लेता है और कहता है, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। फिर एपिसोड के लास्ट में हम उनकी शादी का सीन देखते हैं, जहाँ दोनों फैमिली होती है और सभी एक साथ फ़ोटो क्लिक कराते हैं। बाद में कैमरामैन हुनो से पूछते हैं, तुम फ्यूचर हुनो से क्या कहना चाहते हो? तब हुनो कहता है, क्या तुमने डिवोर्स लिया, तुम्हारे बच्चे कितने हुए हैं? लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, मुझे बस हेन की ज़रूरत है, मैं हमेशा उसके साथ रहूँगा। वहीं हेन से भी पूछा जाता है, तब हेन कहती है, तुम हमेशा सक्सेसफुल रहो और हुनो हमेशा मेरे साथ ही रहेगा। और इसी के साथ ही ये पार्ट एंड होता है, और आगे क्या होता है जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।